नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने अपना वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर कहा है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही गरीबों के मसीहा है, अकलियतियों के मसीहा हैं, छोटे जो समाज के लोग हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, दलित समाज के मसीहा हैं। बड़ा बयान जारी किया है, बड़ी बातें कही है, देखिए एजाज क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। लालू प्रसाद जी शोषितों, वंचितों, दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न सिर्फ स्वर दिया, सम्मान दिया, बल्कि उनको हक और अधिकार भी दिया। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों, सभी समूहों, सभी लोगों को मजबूती के साथ, संकल्पों के साथ सम्मान, हक और अधिकार दिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, अपने नीति और सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। लोग आते जाते रहते हैं, इससे पार्टी के सेहत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इस तरह से आने जाने का सिलसिला चुनाव के समय में अधिक हो जाता है, क्योंकि किसी का भी व्यक्तिगत आकांक्षा होता है, व्यक्तिगत सोच होती है और व्यक्तिगत आकांक्षा की पूर्ति में लोग इधर उधर जाते हैं और इस तरह के आने जाने का सिलसिला चलते रहता है। राष्ट्रीय जनता दल से लोगों का जुड़ाव, लोगों का जो सोच है वो स्पष्ट रूप से नेता के विचार, नेता के द्वारा किए गए कार्य के साथ लोग खड़े हैं और पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता नीति और सिद्धांतों के आधार पर लालू प्रसाद जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों के साथ